एक बार की बात है, एक गांव में एक लड़की अपने माँ के साथ रहती थी। उनके पास गायें थी। वह गाय रोज बाल्टी भर के दूध देती थी। दूध वाली उस दूध को शहर में ले जाकर बेचती थी और उसे जो भी पैसा मिलता था उसी से अपना घर चलाती थी। एक दिन जब वह दूध बेचने जा रही थी, तब उसकी माँ ने उसे कहा कि आज दूध बेचकर जो भी पैसा मिलेगा तुम उन पैसे से अपने लिए कुछ खरीद लेना। माँ की यह बात सुनकर दूध वाली अपने सर पर दूध की मटका लेकर दूध बेचने के लिए शहर की ओर चलने लगी। वह रास्ते में जाते जाते अपनी माँ की बातों को याद करके सोचने लगी कि आज दूध बेचकर जो भी पैसा मिलेगा उस पैसे से मैं 4 मुर्गियाँ खरीदूंगी। वह मुर्गी रोज अंडे देगी। उन अंडों को वह बाजार में बेचेगी और उनसे जो भी पैसा मिलेगा उनसे और मुर्गियाँ खरीदेगी। वह आगे सोचती है कि इस तरह कुछ दिन बाद उसके पास बहुत सारी मुर्गियाँ होंगी। वह इतना भी सोचती है कि इसके बाद वह दूध नहीं बेचा करेगी, सिर्फ और सिर्फ अंडों का ही व्यापार करेगी, क्योंकि दूध के मटका सर पर रख रख के उसके बाल खराब हो गए थे। सोचते सोचते दूध वाली ने अपना सर थोड़ा सा नीचे किया, तभी दूध का मटका सर से नीचे गिर गई। मटका का सारा दूध रास्ते में बह गया। दूध के साथ साथ उसका सारे सपने भी बह गए और वह रास्ते में ही बैठकर रोने लगी। तो बच्चों, इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी सपनों की दुनिया में जाकर आज की हकीकत की दुनिया को नहीं भूलना चाहिए।